आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में अभी से जुट गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सभी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से मिलकर तैयारियां शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा शुरू करके पार्टी विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। आगे कमलनाथ कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और अब उनका लक्ष्य है सिर्फ मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना। हमारे पास बहुत सारे युवा चेहरा है, हाँ हमारे पास बहुत अनुभवी चेहरे, युवा चेहरे, केवल युवा चेहरे से नहीं पर अनुभवी चेहरे से भी। कमलनाथ जी एक बात, कमलनाथ जी एक सवाल ये है कि आपकी सरकार हम मान रहे आ रही है, लेकिन आप उसके आगे आपने उसके मुकाबले के लिए संभावित संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं कि फिर कोई तोड़फोड़ करके आपकी सरकार को माफी और ये लोग गिराना? मेरा ये विश्वास है कि तोड़फोड़ करने की जैसा रिजल्ट आएगा तोड़फोड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं हूँ, ये मैं स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा, हाँ मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब अडानी ग्रुप शेयर गिरने के मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए। लोकसभा में अडानी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की मांग की है। मेरा मानना है कि इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और सदन में भी इस पर चर्चा होना चाहिए। लोकसभा में प्रश्न इसकी चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा हुए, इसकी पूरी इंक्वायरी हुए, ये लोकसभा की मांग है, कांग्रेस की मांग है। आपको बता दें कमलनाथ के सीएम पद के बयान से प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, सत्ता की कमान कमलनाथ के हाथ में रहेगी या फिर इस बार किसी युवा को मौका मिलेगा।